सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा हुई है 17 और 18 फरवरी को। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा हुई है उसमें आप देखिए 48,17,482 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, रजिस्ट्रेशन कराया था, और इसमें से 43,13,611 अभ्यर्थियों ने जाकर के परीक्षा दी है। यानी कि ये लोग परीक्षा में बैठे थे, लगातार 2 दिन 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है। दोस्तों, अब आप लोगों को पता ही है कि अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा था आर ओ ए आर ओ का पेपर हुआ था 11 तारीख को, वो भी पेपर लीक हो गया था और उसपे भी सिंपली क्या कर दिया गया, एक समिति बैठा दी गई, उसकी भी जांच चल रही है। सेम वही स्थिति यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भर्ती बोर्ड का बार बार ये दावा करना कि सेंधमारी की कोशिश नाकाम हुई है, ठीक है, यहाँ पर ये सारी बातें कही जा रही हैं। और यहाँ पर देखिए 93 लोगों को पूरे प्रदेश से गिरफ्तार भी किया गया है, और यहाँ पर आप देखिए कहाँ कहाँ गिरफ्तारी हुई है ये भी यहाँ पर बताया गया कि बलिया में देखिए 17 लोग गिरफ्तार हुए हैं, फिरोजाबाद, बलरामपुर, गाजीपुर, यहाँ पर देखिए बनारस, हाथरस, मैनपुरी, गोरखपुर, बुलंदशहर, संत कबीर नगर, गोंडा, मथुरा, कासगंज, ठीक है, लगभग लगभग बहुत सारे जिलों से लोग यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने भी परीक्षा में नकल कराने की कोशिश की या परीक्षा का पेपर लीक कराने की कोशिश की है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए सिपाही भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक के आरोपों की होगी जांच। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती को लेकर हुई परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों की जांच करवाएगा। इसके लिए बोर्ड ने आंतरिक जांच समिति का गठन किया है। बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने बताया कि एडीजी सदस्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों और प्रश्न पत्र की छपाई में त्रुटियों की जांच करेगी। साथ ही जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया वे दोबारा किसी भी भर्ती परीक्षा में न बैठ सके को लेकर संस्तुति भी करेगी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर ये दोस्तों देखने को मिलता है कि जो लोग पेपर आउट कराते हैं वो मैक्सिमम पेपर्स आउट कराते हैं, और ऐसे लोगों को अगर सजा मिलेगी तो शायद फिर दोबारा ऐसा काम करने के बारे में कोई सोचेगा नहीं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पदों पर सिपाही की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की खबरें रविवार को इंटरनेट मीडिया सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई थी। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि जो प्रश्न पत्र है वो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा था, हम लोगों ने खुद देखा था, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कि क्या इसका क्या हम सलूशन ढूंढ सकते हैं कि कोई भी भर्ती परीक्षा हो तो उसमें कोई पेपर लीक ना, हमारे उत्तर आप देखिए बिहार में भी शिक्षक भर्ती लगातार 2 शिक्षक बड़ी बड़ी भर्तियां हुई हैं जिसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से पेपर लीक होने की कोई घटना नहीं हुई या कोई किस तरीके से कोई संदिग्ध नहीं पकड़ाया, सारी चीजें बहुत अच्छे से हुई वहां पर। और आप देखिए तीसरी बार फिर वहां पर परीक्षा होने जा रही है बीपीएससी के माध्यम से। तो बीपीएससी, अब आप सोचिए उत्तर प्रदेश के बहुत सारे अभ्यर्थी थे ऐसे जो बिहार में जाकर के पेपर देने के लिए, यहाँ से बिहार जाकर के पेपर दिए और बहुत सारे लोग वहां पर सेलेक्ट भी हुए। तो आप सोचिए इतनी सारी इतनी बड़ी संख्या में वहां पर व्यवस्था करना बिहार जैसे राज्य में, और अच्छे से पेपर करा लेना, और हमारे उत्तर प्रदेश में सभी सुविधाएं होने के बाद भी सही से पेपर नहीं हो पा रहा, पेपर लीक हो जा रहा है, और फिर उसके लिए क्या कर जाता है, एक जांच समिति बैठा दी जाती है और जिसका नतीजा कब आता है क्या होता है कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। आप सभी को पता है एक घटना और हुई है कि एक अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर सनी लियोनी की फोटो छपी हुई थी और नाम भी सनी लियोनी का लिखा हुआ था। तो इस तरीके की घटना यहाँ पर क्या हुई है, ये घटना कैसे हुई है, इसके बारे में भी यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में भी जांच हो रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई भी बड़ी भर्ती जब होती है हमारे उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं इसमें सेंधमारी करने की कोशिश की जाती है या फिर भर्ती का जो पेपर है वो आउट कराने की कोशिश की जाती है। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि एक जिस तरीके से बिहार में बीपीएससी के माध्यम से चीजें कराई गई और सही से हो पाई, उसी प्रकार से अब उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसी संस्था बनाने की जरूरत है जो अच्छे से इस सारे एग्जाम्स को करवा पाए, जहां पर बिना किसी नकल के बिना किसी दबाव के लोग अपना पेपर अच्छे से ये मान करके चले कि अगर उन्होंने पेपर दिया है तो ईमानदारी से दिया है तो अच्छे से हो जाएगा। दोस्तों आप खुद सोचिए कि आप जिस पेपर को अच्छे से पढ़ करके देने गए हैं और वही पेपर किसी को पहले ही दिन परीक्षा में बैठने से पहले मिल जाता है और वो सारे के सारे आंसर्स को देख करके चला जाता है और उसी के अनुसार वो अपना क्वेश्चन पेपर करके आ जाता है और वो अच्छा नंबर लेकर के आता है और वो सिलेक्ट हो जाता है, तो बहुत कष्ट होता है। इसलिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ट्रेन से यात्रा की, या 80% ऐसे हैं
जिन्होंने ट्रेन से यात्रा की है, और इसके अलावा वो जा करके रात में रुके थे, कहीं पर सोने की व्यवस्था नहीं थी तो स्टेशन पर ही सो गए थे। तो इतनी तकलीफ में अगर कोई आता है, परीक्षा देता है और फिर उसको पता चलता है कि पेपर आउट हो गया है या पेपर लीक हो गया है, तो बहुत कष्ट होता है। और दोस्तों अगर ऐसी घटना कहीं भी होती है तो उस पेपर को जरूर कैंसिल करना चाहिए और एग्जाम फिर से कराना चाहिए, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों की भविष्य की बात होती है और सभी लोगों को बराबर मौका मिलना चाहिए। इस तरीके से देखा जाए तो जिनको पहले पेपर मिल गया उन्होंने सारे आंसर देख लिए और जा करके वो एग्जाम में बैठ करके और पास भी हो गए, तो ये उन अभ्यर्थियों के साथ धोखा है जो मेहनत करके अच्छे से तैयारी करके अपना एग्जाम देने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस पर आप लोग का क्या कहना, आप लोग कमेंट करिए कि क्या फिर से ये जो सिपाही भर्ती है ये पुनः होनी चाहिए, इसकी परीक्षा की नहीं होनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट करिएगा। अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग खबर निकली है, तो आप देखते हैं पेपर लीक के दावों समेत परीक्षा के सभी पहलुओं की जांच के लिए समिति का गठन किया गया है। ठीक है, अचानक वायरल होने लगे पेपर लीक के मैसेज, तो यहाँ पर ये सब चीजें भी बताई गई हैं कि किस तरीके से बहुत सारी चीजें यहाँ पर हुई हैं 2 दिनों में, 17 और 18 फरवरी के मध्य। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि जो भी निर्णय होगा वो अच्छा ही होगा। यहाँ पर एक बार फिर से सोचना चाहिए कि आखिर में उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा, हमारे प्रदेश में कि सारे पेपर्स लीक हो जाते हैं और फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं आ पाता है। पेपर लीक के दावों की जांच की जाती है, फिर वो समिति बहुत लंबे समय तक जांच करती है, फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाता है चीज, फिर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और कहीं ना कहीं जब तक ये जो जितने भी लोग पेपर लीक कराते हैं या जो लोग भी ऐसा काम करते हैं, जब तक उनके ऊपर एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, उनको कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी। एक ही उपाय है कि अच्छे से कड़ी सजा ऐसे लोगों को दी जाए कि वो दोबारा पेपर लीक ना करवाएं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी कि आखिर में हम कैसे रोक सकते हैं। आप लोग भी अपना सुझाव दीजिए कि क्या तरीके हैं जिससे हम जो लगातार भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं, पेपर आउट हो रहे हैं, उनको हम लोग रोक सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।